हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। तो देखिए, कोरोना वायरस का कहर पूरे दुनिया में मच रहा है और आपको पता है कि हर दिन केसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से सिचुएशंस और भी बुरा होने का संभावना है। सिचुएशंस और भी बुरा हो सकता है। इंटरनेशनल इवेंट्स हो, टूर्नामेंट्स हो, नेशनल टूर्नामेंट्स इवेंट्स सब कैंसिल हो रहे हैं या पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। इस बीच BBL को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है हमारे पास। आपको बता दें कि एडिलेड स्ट्राइकर्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच जो फ्राइडे को मैच होने वाला था वो पोस्टपोन्ड हो गया है। जस्ट बिकॉज देखिए, आपको हमने पहले ही बोला था कि मेलबर्न स्टार्स के 13 प्लेयर्स कोविड पॉजिटिव आ गए हैं, जिस वजह से बहुत रिप्लेस करने का कोशिश किया गया कि रिप्लेसमेंट में कोई प्लेयर्स आ जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है वो चीज़। और इस बीच अब ये सिचुएशन आ गई है कि जो 13 प्लेयर्स आइसोलेशन में थे, वो जब 7 दिन का आइसोलेशन कंप्लीट करके बाहर आ रहे हैं, तो देखा जा रहा है कि वो मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है मैच खेलने के लिए। इस वजह से ये मैच को पोस्टपोन्ड करना पड़ रहा है। और देखिए, मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट ये बोल रही है कि प्लेयर्स का हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेयर्स की फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको नज़र में रखते हुए हम लोगों को मैच पोस्टपोन्ड करना पड़ रहा है। और देखिए, 13 प्लेयर्स कोविड पॉजिटिव आ गए थे मेलबर्न स्टार्स के, और देखिए इस वजह से और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है मेलबर्न स्टार्स के लिए, और BBL के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है कि क्या मैचेस इस वे में अगर पोस्टपोन्ड होते रहे और प्लेयर्स कोविड पॉजिटिव आते रहे तो फिर BBL कैसे कंटिन्यू होगा। देखिए, और इस बीच ये भी मैनेजमेंट ने बोला है कि जल्द से जल्द थोड़े छोटे पीरियड में, शॉर्ट टाइम में डिसाइड कर लिया जाएगा कि आखिर इन दोनों की मैच, इन एडिलेड स्ट्राइकर्स और मेलबर्न स्टार्स की मैच अब कब होगा। देखिए, इस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन छोटे कुछ दिनों में पता चल जाएगा, टीम मैनेजमेंट डिसाइड कर लेगी। अभी तो पोस्टपोन कर दी है ये, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं वो फिट नज़र नहीं आ रहे। देखिए, जैसे ये अपडेट हमारे पास आया हम आपसे शेयर कर लिए। ऐसे अपडेटेड फैक्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और प्लीज अगर वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को याद से प्रेस कर लें।